नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर अनाज मंडी में गत रात्रि चोरों ने चार दुकानों को बनाया निशाना। गले में पड़ी हजारों रुपयों की नकदी चोरी कर हुए फरार। जालंधर बस स्टैंड चौकी पुलिस व सशस्त्र सीमा बल की ओर से बस स्टैंड पर निकाला गया फ्लैग मार्च। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग। G20 सम्मेलन को मुख्य रखते हुए जंडियाला गुरु में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च। आने जाने वाले वाहनों की गहनता से की जांच। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में चोरी व लूटपाट की वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही, जिसका ताजा मामला संगरूर की अनाज मंडी में सामने आया है, जहां चोरों ने देर रात अनाज मंडी में चार दुकानों के ताले तोड़ दिए। वहीं यह सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। तो वहीं जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो SHO करमजीत सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि देर रात 2 बजे के करीब इस सारी घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान चोर दुकान के गले में पड़ी नकदी चोरी कर फरार हो गए। इस दौरान एक आड़ती की दुकान के पैसों का गल्ला उठाकर चोर उसे उबावाल रोड नहर के किनारे फेंक गए, जो पुलिस को मिला है और उसे दुकानदार को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। रात 1 बजे जी 1:51 के उत्ते रात चोर आए सी उरे। साडियां दुकानां दे 3-4 दे गल्ले टुटे ने गे, जिंदे टुटे ने जी, ठीक है कि ना। ते उदू बाद गेट भज गए जी ओह, ठीक है कि ना। हाँ जी, सीटी ज आए ने, सारियां आईयां ने, उन्हां दे वीडियो आईयां ने गियां। ते पुलिस वाले आए सीगे, हुण ओह ट्रेस करके लैके गए ने। नुकसान जी, एक दुकान दा 3500 रुपया लै गए ने जी, एक दा 3700 जी, एक दा 700 रुपया जी। बाकी अजे असीं देख रहे हैं जी सारा कुछ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਗੱਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਫਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸੇਫਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਰ ਵਿਖਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਕਦੀ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ 3 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਅਬਾਊਟ ਕੋਈ 1:56-1:58 ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। पंजाब में लगभग सभी जिलों में इंटर स्टेट नाके लगाए गए हैं और स्पेशल चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के मद्देनज़र और शरारती तत्वों के ऊपर नकेल कसने के लिए ये नाके लगाए गए हैं। तो वहीं सशस्त्र सीमा बल और बस स्टैंड चौकी की पुलिस द्वारा जालंधर के बस स्टैंड पर फ्लैग मार्च निकाला गया और बस स्टैंड में आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की गई। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और लोगों में सुरक्षा की भावना कायम करने के लिए शहर के अलग अलग थानों में सशस्त्र बलों और स्थानीय पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। इस मौके पर बस स्टैंड चौकी इंचार्ज मेजर सिंह ने बताया कि उनके साथ सशस्त्र सीमा बल के 3 जवान मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया जाएगा और किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अज अभी रूटीन की तरह जिदा पहलों बस स्टैंड चैक करते हैं, अभी भी SSP लैके बस स्टैंड की चैकिंग की गई, बाहर जो बस स्टैंड का एरिया फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सर किन्ने जी कंपनी किन्ने जवान ने अच्छे ये साढ़े को अच्छे 30 जवान इन्होंने, बाकी साड़ी बस स्टैंड पुलिस की फोर्स। सर जो कोई शक्की व्यक्ति पाए उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई खिलाफ जो मंडी कानूनी कार्रवाई की।
G20 सम्मेलन को मुख्य रखते हुए SHO मुख्तियार सिंह की अगुवाई में जंडियाला गुरु में एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पंजाब पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO मुख्तियार सिंह ने बताया कि G20 सम्मेलन का वफद जंडियाला गुरु में भी आएगा, जिस कारण अमन व कानून की स्थिति को मुख्य रखते हुए बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया है। इस मार्च के दौरान पुलिस पार्टी ने आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच भी की। वहीं उन्होंने दुकानदारों को कहा कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति का कोई भी सामान दुकान में ना रखें और संदिग्ध व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचित करें। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सीनियर अफसर के हुक्मों नाल थाने की सारी फोर्स सानू पैरामिलिट्री फोर्स मिली हुई है। असीं इन्हां नूं सारयां नूं लै के जंडियाला वासियां की सुरक्षा लई, दुकानदारां ते रहायशी बछिंदियां की सुरक्षा लई ते लॉ एंड ऑर्डर नूं मुख रख के G20 भी चल रही है, होर भी साडे हालात ने, इस करके अं फ्लैग मार्च कर रहे हैं तां जो जिहड़े मारे अंसर आ उहनां दा उह सोचे उह इहो जिही कोई हरकत ना कर सकण, साडे शहर वासी सुखी शांती रहिण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਰੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ PCR ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਚਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅੰਸਰ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह अमृतसर पहुंचे, जहां उनके साथियों की ओर से उनका स्वागत किया गया। तो वहीं ठाकुर भानु प्रताप सिंह की ओर से लखविंदर सिंह को पंजाब का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि अमृतसर आकर उनके मन को बहुत खुशी मिली है। वहीं उन्होंने कहा कि इस अवसर पर वे लखविंदर सिंह को पंजाब अध्यक्ष भानु पार्टी का नेता चुनते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसे लेकर वे केंद्र में जाएंगे और उनकी आवाज़ उठाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है और पिछले 40 वर्षों से वे संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वहीं उन्होंने कहा कि यह श्री गुरु नानक देव और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्या और बलिदान की धरती है। उन्होंने कहा कि वे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते और पंजाब अध्यक्ष लखविंदर सिंह पंजाब के किसानों की आवाज़ बनेंगे। वहीं इस मौके पर लखविंदर सिंह ने कहा कि वे भानु प्रताप सिंह का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उन्हें यह सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पहल के आधार पर हल किए जाएंगे और किसी भी किसान को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज का प्रोग्राम पंजाब प्रदेश में किसानों के एक महारथी हमको तैयार करने हैं और पूरे पंजाब की जो किसानों की फौज होगी वो 75 साल से जिन्होंने सत्ता सुर में संभाली उन्होंने इस किसान को गुलाम बना के रखा। आजाद अंग्रेजों से हुए तो आजाद हुए राजनेता और आजाद हो गए उद्योगपति पूंजीपति अड़ानी अम्बानी, और आज हम अपने लखविंदर सिंह को इस पंजाब प्रदेश का भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष घोषित करके पूरे पंजाब में प्रदेश लखविंदर सिंह को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु बनाने के लिए आया हूँ। अमृतसर में समाज सेवा में एक और मील पत्थर साबित हुए माँ दुर्गा सोसाइटी और जय हो क्लब संस्था की ओर से शक्तिनगर चौक में जय हो क्लब मोहल्ला क्लिनिक और लैब की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ गद्दी श्री बाबा लाल जी के महंत श्री अनंत दास जी महाराज ने किया। इस अवसर पर सोसाइटी तथा क्लब के प्रधान विक्की दत्ता ने बताया
कि क्लिनिक में रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को देखा जाएगा, जिसमें 10 रुपए की पर्ची के साथ ही मरीजों को 4 से 5 दिन की दवा भी दी जाएगी। इसी तरह 20 रुपए की पर्ची में हर प्रकार के ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि शुभारंभ के मौके पर विशेष मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें फ्री चेकअप, फ्री दवाइयां और फ्री टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि करीब 265 मरीजों का चेकअप किया गया और 170 के करीब मरीजों के अलग अलग प्रकार के ब्लड टेस्ट किए गए। उन्होंने कहा कि आज के समय में हर वर्ग महंगे इलाज के कारण दब रहा है और परेशान है। मरीज गंभीर बीमारियों से ठीक होने के बाद फाइनेंशियली बीमार हो जाते हैं। संस्था की ओर से यह मोहल्ला क्लिनिक खोलकर एक छोटी सी कोशिश की जा रही है, जिससे मरीजों को सस्ता इलाज और सस्ते टेस्ट मिल सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नगर में ये लैब का उद्घाटन किया गया है, फ्री दवाइयां, मेडिकल कैंप। ये विक्की दत्ता जी की ओर से, गैरो क्लब की ओर से, हम अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और ये सब गैरो क्लब बधाई के पात्र हैं। इनको बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही ये कार्य करते रहें। शहर वासियों को मैं हार्दिक बधाई देना कि साढ़े शहर का सितारा विक्की दत्ता जरा गैरो क्लब का संचालक है, उन्होंने कोरोना के टाइम से भी समाज की बहुत सेवा की है और जो जो भी समाज में जो जरूरत हुई है अपने वालों पूरा जोश नाल काम करते रहे हैं। मैं अज परमात्मा हाजर नजर रख के इन लोगों को आशीर्वाद देना, जय हो क्लब वालों कि इस तरह ही अगे बढ़े रहन, परमात्मा इन्हों की लंबी उम्र करे और इन्हों के इस तरह ही जोश पाया रहे और इस तरह ही कल्याण का काम करते रहन। और इन लोगों के नाल ही सारा समाज चलता है। पैसा तो चलो कोई भी कर सकता है, लेकिन पैसे खर्चन करने वास्ते भी बड़ा गुरदा चाहिए। जी अज असी अपनी संस्था माँ दुर्गा वैलफेयर सोसायटी जय हो क्लब वालों मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, जो अभी अपनी संस्था वालों शुरू किया, जिद 10 बजे तो लैके 2 बजे तक रोजाना डॉक्टर बैठने 10 रुपए पर्ची के 4 से 5 दिन की दवाई दी जाएगी। नाल दे नाल असी एक अपने सोसायटी वालों ही लैब खोली है, जिद ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, जिसकी जो कोस्ट है असी 10 से 20 रुपये रखी है, 10 रुपये तो 20 रुपये इन्हों 20 रुपये ही टेस्ट किए जाएंगे। नाभा रियासत के 3 महाराजा हुए, जिनमें महाराजा हीरा सिंह, उनका बेटा रिपू दमन सिंह और रिपू दमन सिंह का बेटा प्रताप सिंह, जिसके बाद प्रताप सिंह के 3 बेटे हुए। महाराजा प्रताप सिंह का बेटा महाराजा हिम्मत सिंह और उनका सारा परिवार अब नाभा के हीरा महल में रहने लग पड़ा है। हीरा महल में शाही परिवार की मांग है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की बख्शीशों को नाभा के हीरा महल में सुशोभित किया जाए। महाराजा हिम्मत सिंह धर्मी राजा के नाम से जाने जाते हैं। महाराजा रिपू दमन सिंह अंग्रेजी साम्राज्य के आगे नहीं झुके और उनको कोंडई कनाल काले पानी में भेज दिया गया। महाराजा रिपू दमन सिंह ने आनंद मैरिज एक्ट भी लागू करवाया था। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जहाँ महाराज प्रताप सिंह और महारानी उर्मिला देवी, मेरे मदन लॉ फादर लॉ, वो भी यहाँ से जब गए, हाँ ज़रूर मैंने उनका भी चाहना था कि कोई ना कोई यहाँ आ जाए, मगर वो लोग यहाँ 50 साल पहले यहाँ छोड़ के चले गए थे तो उनको मुश्किल था, और फिर बच्चे भी कौन आएगा यहाँ जो इंटरेस्ट लेगा। तो जैसे इन्होंने कहा, अब मेरा पोता वो एकदम सिक्की है, सरदार है, लंबा बाल है सब, तो उसी ने हमको यहाँ ले आए, मैं यही कह सकती हूँ। नहीं तो हम लोग वहाँ दिल्ली में, हमको ना तो पंजाबी या कुछ आता था, ना सिर्फ हिंदी इंग्लिश यही बोलते थे, पर जब से ये आया है यहाँ मुझे खुशी है कि वो यहाँ खुश है। आजकल सब लोग अपने रूट से तो दूर जाते हैं, पर कुछ नहीं है अपने रूट्स को छोड़ के जाने में कुछ है ही नहीं, रूट्स हो तो सब कुछ है। हीरा महल की बहुत ही रिच हिस्ट्री है, इनफैक्ट नाभा की बहुत ही हिस्टोरिकल हिस्ट्री है। नाभा में बहुत दानी अच्छे राजा रहे हमेशा, जैसे महाराज हीरा सिंह जी, महाराज रिपू दमन सिंह जी और उनसे भी पहले जो थे महाराज हमीर सिंह जी, सभी बहुत अच्छे राजा रहे, जिनके बहुत उनके बारे में सब जगह बहुत अच्छी बातें, अच्छा लिखा हुआ है। ये बात हीरा महल की, तो हीरा महल में महाराजा रिपू दमन सिंह जी भी रहे हैं, महाराज हीरा सिंह जी भी रहे हैं, और
नाभा की सभी ऐतिहासिक बिल्डिंग में हर बिल्डिंग में गुरु घर पहले बनता था। सबसे ऊपर जो कमरा होता था हमेशा वो गुरु घर होता था। उसी तरह से हीरा महल में भी जो सबसे ऊपर कमरा है वो गुरुद्वारा सरोपाव साहब है, जहाँ पे गुरु महाराज का हमेशा प्रकाश रहता है। बहुत खुशी की गल है जी साढ़े शहर वासियों वास्ते भी महाराज हीरा असल दे विच असीं जदों अपने बजुर्गों के नाल बैठते होंगे सी तां नाभा रियासत बारे महाराज हीरा सिंह बारे महाराज रुपदमन सिंह बारे अक्सर गल्लां करदे सी, पर साढ़े मन दे विच इही ख्याल हुंदा सी यार परिवार है तां कित्थे है किद्दां दे होणे ने। जदों फिर परिवार दा सानूं पता लग्गिया वी महाराज साहब दा परिवार उरे आ गया तां सारे शहर नूं बड़ी खुशी होई। हुण महाराणी साहब इस परिवार वल्लों जो भी शहर लई जां लोकां दी भलाई लई कम करे जांदे ने बहुत चंगे काम करे जा रहे हैं। महाराजा रुपदमन सिंह जी तो ही आनंद मैरिज एक्ट की शुरुआत हुई है, उन्होंने पास करवाया से। उस तो अलावा महाराजा रुपदमन सिंह जी ने हरेक जिदा जिदा महाराज हीरा सिंह होए ने रुपदमन सिंह होए ने प्रताप सिंह होना उन्होंने अपने जीवन काल के जिन्ना का उन्होंने समा मिले उदा ही अपने जीवन काल के काम लोगों की भलाई करते गए। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका श्री अकाल तख्त साहिब में पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वे सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में गुरु साहिबान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और वे श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार शिरोमणि कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी को निमंत्रण पत्र देने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से कई प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। धर्म प्रचार को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया और अकाली बाबा फूला सिंह जी का जो शताब्दी समागम आ रहा है उसको समर्पित चार दिन के कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा फूला सिंह अकाल तख्त के जत्थेदार भी रहे हैं और बाबा बुड्ढा दल के छठे मुखी थे। उनके शहीदी दिवस को समर्पित यहाँ से नगर कीर्तन दिल्ली लेकर जाया जाएगा, जिसके चलते श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और श्रोमणी कमेटी के प्रधान को निमंत्रण पत्र दिया गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दरबार साहब जिथे गुरु महाराज का धन्यवाद करन वैसे क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उलीके ने साल दे विच धर्म प्रचार नूं लैके और सब तो मेन प्रोग्राम जिहड़ा बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया और अकाली बाबा फूला सिंह जी की जी शताब्दी आ रही है उन्होंने समर्पित जोड़े प्रोग्राम रखे गए चार दिन का दिल्ली के दिल्ली फतेह दिवस का रूप के जो प्रोग्राम हर साल असी लाल किले मनाते हैं 8 और 9 अप्रैल में मनाया जाना है और उस तो पहला 6 और 7 तरीक न अकाल तख्त साहब तो अरदास करके नगर कीर्तन क्योंकि अकाली बाबा फूला सिंह जेड़े इस अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब भी रहे और अकाली बाबा बुढ़ा दल के भी वो 6वें मुखी रहे उन्होंने शहीदी समर्पित शहीदी समागम में शहीदी दिहाड़े को समर्पित करते हुए और जस्सा सिंह रामगढ़िया जी का जोड़ा इतिहास है वो लोगों को दसन वास्ते इतों नगर कीर्तन कढ़ के दिल्ली लेके जाया जाएगा। हर सिख के दिलों के बीच इस बारे रोष है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को कभी भी इस काम से नहीं वरत्या जा सकता, मगर इस काम की शुरुआत कितों हुई है यह भी साढ़े लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। सानू जथेदार साहब ने एक कमेटी बनाई जिदे विच दास की भी ड्यूटी लाई गई है 15 मैंबरी जी कमेटी बनाई सी, मगर मैं जथेदार साहब टेलीफोनिक उत्ते गल की और मैं कहा कि यदि इस कमेटी के श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब ने अजीत पाया और उ प्रधान साहब दिल्ली के अकाली दल के दफ्तर के उत्ते कब्जा करने वास्ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप का यूज इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जिथे प्रबंधक या इहो जिहे जिम्मेवार बंदे इहो जिहे गल्लां करनगे ते असीं किसी बंदे नूं की रोक सकते हैं। सो बड़ी मंदभागी गल है गुरु महाराज के उत्ते उहदा मंशा की सी उहनां नूं क्यों उत्थे भेले जाया गया ये ते भाई अमृतपाल सिंह जी दस सकदे आ, मगर मैं समझदा कि हर सिख नूं इहदे उत्ते अफसोस होया कि इह काम नहीं होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आदर्श नगर जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वर्णिम भारत का आधार सशक्त महिला विषय पर परिचर्चा की गई। इस समारोह का शुभारंभ आदरणीय राजयोगिनी संदीरा बहन, राजयोगिनी लक्ष्मी बहन, मुख्य मेहमान हंसराज महिला विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर अजय सरीन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रीमा जम्मू, भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष मीनू शर्मा, पार्षद जसपाल कौर भाटिया, पार्षद उमा बेरी, पार्षद सुनीता रिंकू, डॉक्टर रुचि भार्गव, डॉक्टर सुरेखा सच्चर, डॉक्टर रेणु महाजन, समाज सेविका संगीता सैनी, डॉक्टर ममता, प्रिंसिपल अमिता खन्ना और मुख्य अध्यापिका सुखजीत कौर ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इस मौके पर आए हुए सभी मुख्य मेहमानों ने महिला सशक्तिकरण पर अपने अपने विचार भी पेश किए। इससे पहले सभी भाई बहनों ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशंसिका अव्यक्त आदरणीय दीदी गुलजार जी को उनके स्मृति दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और बीके डॉक्टर ममता ने इस संस्था की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर सेंटर की बहनों द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस दौरान राधिका बहन और नेहा बहन ने मंच संचालन बहुत ही सुचारू रूप से किया। अंत में आए हुए सभी मेहमानों को सेंटर की संचालिका संधीरा दीदी ने ईश्वरीय सौगात दी और ब्रह्म भोज करवाया। तो वहीं इस अवसर पर विजय बहन, शिखा बहन, सुशीला बहन, सुलेखा बहन, सिमरन बहन, सुनीता, कमलेश, सोनिया, कांता, रेणु, संगीता, अनीता, कृष्णा, डॉक्टर बसन, सुरेंद्र भाई, मिकलानी भाई, सुभाष भाई, राजकुमार राजू, सागर, सतीश, विशाल सहित आश्रम के सैकड़ों भाई बहन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। हमारी संस्कृति तो ऐसी संस्कृति है कि जिसमें परिवार का क्या रोल होना चाहिए, परिवार का क्या महत्व है, चाहे वो माँ है, चाहे वो पिता है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, हमारी संस्कृति तो इनके रोल को भली भांति जानती है, इसको भली भांति डिफाइन करती है। पर फिर भी क्योंकि ये समय का चक्र ऐसा है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कुछ पॉलिसीज बन जाती हैं कि यस, औरतों को बराबर वेजेस देने के लिए, औरतों को समान कार्य रूप देने के लिए कि इतना कार्य वो मेल काउंटर पार्ट्स के समान करेंगी तो उनको समान वेजेस दिए जाएं, उनको वोट का अधिकार दिया जाए, उनको समान अधिकार दिए जाएं, तो उस लड़ी में, उस दिशा में अगर ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है तो ठीक है, ये सरकार की पॉलिसीज हैं, ये पूरे के पूरे ग्लोब की, शायद भारत को इसकी ज़रूरत नहीं होगी लेकिन हो सकता है कि दूसरे कई देशों में इसकी ज़रूरत रहती हो। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 407 आदर्श नगर महिला सशक्तिकरण दिवस पे एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें नारी जाति के उत्थान के लिए विशेष कुछ पॉइंट्स दिए गए, कुछ दिव्य गुणों की बातें शेयर की गई कि जैसे आज नारी समाज में वैसे तो देखा जाए तो हर कार्य में आगे बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी किसी किसी जगह में नारी की कुछ ऐसी बातें देखने में आती हैं, सुनने में आती हैं कि जहां हम नारी को कमज़ोर समझने लग पड़ते हैं, जबकि नारी अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहे, नारी अगर ऊंचाइयों को एक साइड से छू रही है दूसरी साइड से कुछ नारी में कमज़ोरी के कारण गिरावट में भी आ रही है, तो नारी अगर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहती है, महान बनाना चाहती है, अपना एक शिव शक्ति रूप धारण करना चाहती है, उसके लिए नारी को आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। नाभा में मनरेगा मजदूरों की ओर से अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। मनरेगा मजदूरों की मांग है कि उन्हें 100 दिन के काम की जगह पर 200 दिन काम दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 90,000 करोड़ रुपयों का बजट रखा गया था और अब केंद्र सरकार ने यह बजट घटाकर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया है। बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरों को दो वक्त की रोटी खानी भी मुश्किल हो गई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी 282 रुपये है, इसे बढ़ाकर 700 रुपये किया जाए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक मांग पत्र SDM को सौंपा। इस मौके पर नाभा की SDM दमनदीप कौर ने कहा कि मनरेगा मजदूर यूनियन की ओर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मांग पत्र दिया गया है, वे ये मांग पत्र आगे भेज देंगे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। ऐसे जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडियाला गुरु में ब्रह्म कुमारी आश्रम की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें ब्रह्म कुमार भगवान भाई राजस्थान वालों ने स्कूल स्टाफ और बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ परमात्मा के नाम से जुड़ने की प्रेरणा दी। इस मौके पर ब्रह्म कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल कॉलेजों में बच्चे पढ़ाई कर बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले लेते हैं पर उन्हें परमात्मा की बंदगी के बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, जिस कारण वे समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में सफल नहीं हो पाते। इसलिए बच्चों को ये शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है।
इस मौके पर स्कूल प्रबंधक कमेटी की ओर से ब्रह्म कुमार भगवान भाई को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रिंसिपल सुनीता उप्पल, ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की बहन नर्मदा, चंद्रभूषण जैन आरती बहन, संजीव जैन भाई भूपिंदर सिंह, राकेश कुमार भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। तो मैं काफ़ी सारे स्कूलों में, भारत में लगभग 12,000 स्कूलों में बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया और 800 जेल में, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है, अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आज स्कूलों में डॉक्टर तो बनाया जाता है, इंजीनियर बनाया जाता है, वही डॉक्टर किडनी चोरी कर रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर जाना। अभी जैसे परीक्षा का माहौल है, लेकिन इसी परीक्षा में पास होने के साथ साथ भविष्य में उन बच्चों के सामने कोई सहन शक्ति की बातें आएगी, कोई सामना करने की बातें आएगी, उसमें भी वो पास हो जाएं। इसीलिए मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है। बरनाला के शहर तपा मंडी में सुख शांति के लिए श्री गीता भवन प्रबंधक कमेटी तपा की ओर से नगर निवासियों के सहयोग से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर प्रसिद्ध समाज सेवी अश्विनी कुमार बहावलपुरी ने परिवार सहित पूजन करवाया और नगर कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने झंडा पूजन किया और ट्रक यूनियन के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गर्ग ने कलश पूजन करवाया। कथा के पहले दिन 108 भव्य निशान शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो श्री गीता भवन से चलकर शहर की गलियों बाजारों में होती हुई वापस श्री गीता भवन पहुंची। शोभा यात्रा में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अश्विनी कुमार आशु भूत और पुजारी पंडित कालाराम वेद पाठी ने बताया कि वृंदावन से विशेष तौर पर पहुंचे डॉक्टर प्रज्ञा भारती की शिष्य प्रसिद्ध कथावाचक दीदी गुंजन विशिष्ट जी प्रतिदिन बाद दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर संगत को निहाल करेंगे। 19 मार्च दिन रविवार को कथा के भोग डाले जाएंगे। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। संत आशाराम जी पप्पू द्वारा संचालित श्री योग वेदांत सेवा समिति अमृतसर आश्रम रामतीर्थ तत्वाधान में महिला उत्थान मंडल की सदस्याओं द्वारा अमृतसर में आशाराम बापू जी की रिहाई की मांग हेतु अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा गया। इससे पहले सदस्यों की ओर से मार्च निकाला गया। इस संबंधी जानकारी देते हुए प्रधान मोनिका शर्मा ने कहा कि बापू जी ने भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु अपना जीवन समर्पण किया है और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए नए बाल संस्कार केंद्र, महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल और युवाओं के लिए युवा सेवा संघ बनाई, लोगों को नशे व बुरे व्यसनों से बचाया और आज उन्हीं संत पुरुष पर अन्याय हो रहा है, इसलिए वह सरकार से अपील करते हैं कि बापू जी को रिहा किया जाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज हम महिला दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य बापू जी की शीघ्र रिहाई और उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो रैली जो है वो निकाल रहे हैं और सरकार से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बापू जी को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, क्योंकि वे निर्दोष हैं, निर्दोष से निर्दोष रहेंगे। उन्होंने देश के लिए बहुत सारे सेवा कार्य किए हैं, कृपया उनकी तरफ न्यायालय जो है वो ध्यान दें और बापू जी को शीघ्र रिहा करें। इसके लिए आज हम डीसी साहब को जाके जो है प्रार्थना पत्र जो है वो देने जा रहे हैं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में 29 मार्च को निकाली जा रही विशाल श्री राम नवमी शोभा यात्रा को भव्य रूप प्रदान करने हेतु संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। संपर्क अभियान की टीम में शामिल रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा, सौरभ शर्मा और मुनीश शर्मा ने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर जालंधर के महंत सिया शरणदास, श्री शिव मंदिर वैष्णो माता दरबार के पंडित विजेंद्र मिश्रा, हेमा मिश्रा, महाकाली मंदिर सईपुर रोड के पंडित चंद्रभूषण त्रिपाठी, पंडित मोहित माता शीतला मंदिर महाकाली नगर के सतविंदर शर्मा, श्री शिव शंकर मंदिर शिवनगर जालंधर के गुरुदत्त शिंगारी, राम नरेश, राजेश अग्रवाल, जतेंद्र चोपड़ा, आयुष, अरुण कोहली,
मनोज, सुरजीत शर्मा, संदीप अग्रवाल, पंडित शिव शरण, कैलाश रानी, उषा रानी, रिंकी, मोनू अंग्रेज, पदम अग्रवाल, सरोज, रीना अग्रवाल, पारदेश्वर, सिद्ध शक्तिपीठ श्री गौरीशंकर मंदिर, गुरु अमरदास नगर जालंधर के सुभाष शर्मा, श्यामलाल शर्मा, एसके मित्तल, अशोक अरोड़ा, विजय जोशी, टी आर टंडन, हुकम सिंह बिट्टू, बलदेव सिंह, रमेश सहगल, नीरू मित्तल, सुदेश जोशी, नम्रता सयाल, बी डी महाजन, सुरेंद्र पाल बग्गा, प्रीतम चंद सैनी, अनिल शर्मा, मंजू शर्मा, श्री राम मंदिर न्यू रसीला नगर फेज़ टू, दानिश मंदा जालंधर के, बलदेव राज चौहान, महेश सोडी, सतनाम अरोड़ा, सतपाल बिट्टू, राकेश बबलू, हरबंस लाल अरोड़ा, राजीव लूथर, अमित खिंदर, शिव शर्मा, जनकराज, पंडित मोहन, कृष्ण लाल, सविता शकुंतला, शाबिया बांसल, निर्मल संतोष, कुसुम, उषा रानी, आशु मेहरा, कांता सोनिक, शिरडी साई सहयोग समिति 120 फुटी रोड जालंधर के, अमित कुमार, स्नेहा शौर्य, श्री सनातन धर्म, गीता मंदिर पिशोरिया मोहल्ला के, हरबंस लाल, राकेश कुमार, श्यामलाल, विनोद कुमार, बंटी पहल, पवन कुमार, पंडित दया मिश्रा, पंडित जगदम्बे प्रसाद, रोमी मक्कड़, हेमलता, विमला रानी, राम कुमारी, यमुना रानी, बबली, अनीता, दर्शन, रानो, सीमा रानी, आशा रानी, लाबो रानी, पिंकी से संपर्क साधकर उन्हें प्रचार सामग्री भेंट कर असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों समेत इस शोभायात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र प्रदान किए। इस दौरान सभी मंदिर प्रबंधक कमेटियों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने संपर्क अभियान की टीम को यह विश्वास दिलाया कि वह असंख्य भक्तों व सुंदर झांकियों सहित इस शोभा यात्रा में भाग लेकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। मैं सभी जालंधर निवासियों को सूचित करता हूं कि 29 मार्च को श्री देव कला मंदिर से शोभा यात्रा शुरू हो रहा है। इसमें सभी नगर निवासियों अपने परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस शोभा का शुभ बधावे। बोल श्याम रामचंद्र महाराज की। 29 मार्च को श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा में हम सभी शहरवासियों से आग्रह करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ करके भाग लें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिरी अपनी लगाएं। 29 तारीख को शोभा यात्रा रामनवमी से संबंधित शोभा यात्रा जो निकल रही है उसमें महाकाली माता मंदिर की ओर से सभी भक्तजन बढ़ चढ़ करके उस जय श्री राम। श्री देवीतला मंदिर तो 29 तरीक में शोभा यात्रा निकल रही है, वो चढ़ पढ़ के हिस्सा लवेंगे श्री शीतला माता मंदिर। हर साल की तरह इस साल भी 29 मार्च के दिन श्री शक्तिपीठ देवी जात मंदिर तो जी रामनवमी के उपलक्ष्य शोभा यात्रा निकाली जानी है। वो असी सारे शिव शंकर मंदिर प्रबंधक कमेटी के सारे ही सदस्य और सारी संकीर्तन करने वाली मंडली माता भैन सारिया शामिल होवांगे और टांडा अड्डे दे एक विशाल मंच लगा के फरूट का लगन लवेंगे और जिहड़ी यह शोभा यात्रा श्री शक्तिपीठ देवता निकलती है श्री शीतल बीज की और राजेश बीज की प्रयास निकलती है। ये असी बड़े भागा ने आ जड़ा उन्होंने सानू ये निमंत्रण भेजा वा असी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि सानू भी शुभ काम च उन्होंने मौका दिता असी हिस्सा बने हाँ इस शोभा यात्रा का और असी इस शोभा यात्रा से सारा शिवनगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। आज शक्तिपीठ देवी तलाब मंदिर साढ़े बड़े प्रबंधक सज्जन आए ने और जो भी शोभा यात्रा रामनवमी की जी पारदेश्वर उसकी निकाली जा रही है असी साढ़े प्रधान सीतल बिट जी पूरा यकीन दिलाने हैं कि जेड़ा भी सानू इन्होंने साड़ी ड्यूटी लाई है साड़ी स्थित सैशन सभा और साड़ी जी प्रबंधक कमेटी है पारदेश्वर सतवीर की प्रबंधक कमेटी असी पूरी पूरी तन मन से ये असी इस भाग लवेंगे और इस शोभा यात्रा कामयाब बनाएंगे। पारदेश्वर गौरीशंकर मंदिर
ਇਸਤਰੀ ਸਾਸਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਜਨਮਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਅਵਸਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਤਲਾ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾਨਸ਼ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚੀਲਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਸੁਖ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਇੰਨੇ ਜਲਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗਿਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਦੇਵਤਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲ ਜਿੰਜਨਵੀ ਔਰ ਰਜੇਸ਼ ਜਿੰਜਨਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜੋ ਦੇਵਤਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਲਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਛ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਝਾਂਕੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਔਰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਮਾ ਕੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। 29 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਰਮਨ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੱਜ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਰਭ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ
स्वागत करते हैं और बाबू जी ने बहुत बहुत बधाई दें, शहर वासियों बहुत बहुत बधाई दें कि वो इन्ना भरपूर काम कर जा रहे हैं जोड़ा हर साल कर रहे हैं तो इस साल भी कर रहे हैं तो उन्होंने सहयोग देने असी पूरा अपना जोर लावे और साई पालकी रथ यात्रा बाबा जी का स्वरूप और झांकियाँ टोलताशा के नाल लैके प्रभु श्री राम जी रामनवमी के हिस्सा लैन बाबा की कृपा नाल जरूर आवेंगे और सारे शहर वासियों बहुत बहुत मुबारक। इंद्रपाल सिंह ओबराय अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनके आत्मिक शांति हेतु भोग एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी टी पी नगर जालंधर में संपन्न हुई। इस दौरान कीर्तनी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह ओबराय की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक के डी भंडारी, चंदन गरेवाल, कुलदीप सिंह ओबराय, अरविंदर कौर ओबराय, राजविंदर कौर, मंगल सिंह, कुलवंत सिंह मन्नन, मनिंदर सिंह गुंबर, सुरेंद्र सिंह सोडी, जगजीत सिंह गाबा, हरीश कुमार, बलदेव सिंह बिंद्रा, अमृतपाल, जसबीर सिंह चड्डा, रमेश सहगल और पारिवारिक सदस्यों में भाई गुरदेव सिंह ओबराय, गुरचरण सिंह ओबराय, भूपिंदर सिंह ओबराय सहित धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय इंद्रपाल सिंह ओबराय को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਗਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ
ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹੀ ਹੀ ਖੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪੀ ਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ੇ ਫਲ ਬਖਸ਼ੇ। जालंधर कैंट की राजनीति में उस समय हलचल देखने को मिली जब पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू और राजेंद्र कुमार सोनकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुशील शर्मा ने आश्वासन दिया कि पार्टी में इन्हें बनता मान सम्मान दिया जाएगा। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। अज भारतीय जनता पार्टी दे कैंट दे मंडल दे प्रधान शिवदर्शन अभिजी की अगुवाई दे विच साडे कैंट दे बहुत ही सत्कारयोग राजू जी जिहड़े कि पार्षद रहे हैं इत्थों, और पप्पू भाई जिहड़े राजनीतिक धार्मिक समाजिक समागमां दे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदे आ, और अपने साथियों दे नाल भारतीय जनता पार्टी दा उन्हां नूं दमन फड़िया है। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी है, और पंजाब नू अगे लैके जाना, पंजाब नू रंगला बनाना, पंजाब दी एकता अखंडता भाईचारे दी स्थापना करनी, और अज जिहड़े कंटोनमेंट दे जिहड़े इशूज़ ने भारतीय जनता पार्टी इस बार सिंबल ते इत्थे चुनाव लड़ेगी, और जिहड़े इशूज़ होणगे साडे जिहड़े प्रतिनिधि चुन के आणगे उहनां दा डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी दी जलंधर दी टीम दे नाल मिल के केंद्र चों सारियां समस्यावां नाल उन्हां नूं अवगत करवा के उन्हां दा हल कराएगी। यही साडी कैंट लई प्राथमिकता रहेगी, और उन्हां मुद्दे नूं लै के असीं कैंट दे विच चुनाव भी लड़ना है। साडे साथी साडे विच आए है, ये साडे घर दे विच साडे परिवार दे विच वादा कीता है, साडे लई उह सिर दे ताज है, असीं इन्हां नूं बनदा मान सम्मान देवांगे और इन्हां नूं दिल दे नाल जुड़ के रखांगे। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राम। जो कि अज साडे वड्डे भरा बी जी और जलंधर दे प्रधान बीजेपी दे और ਸਾਡੇ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਦੇ ਯੋਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਟ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਓਂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਰ CBI ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਓਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਓਂ ਕੋ ਦਬਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਔਰ ਸੇ 20 ਮਾਰਚ ਕੋ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਮੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। संयुक्त किसान मोर्चे का रोष प्रदर्शन उस समय नया मोड़ ले गया। राष्ट्रपति के नाम दिए जाने वाला मांग पत्र लेने DC फरीदकोट नहीं पहुंचे और वह दूसरे रास्ते से अपने कार्यालय से निकल गए, जिससे गुस्साए किसानों ने DC कार्यालय के आगे अनिश्चित समय के लिए रोष धरना शुरू कर दिया और भाई घनैया चौक में फूंके जाने वाला पुतला भी किसानों ने DC कार्यालय के आगे ही जला डाला। वहीं बढ़ती तकरार को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मसला सुलझाते हुए DC फरीदकोट को धरने पर बैठे किसानों के पास पहुंचाया और मांग पत्र लिया, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की ओर से धरना समाप्त कर दिया गया। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।
ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੀ ਜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਏ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਏ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇੱਥੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਆਉਂਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੇਂ ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਚੋਰੋਂ ਨੇ 4 ਦੁਕਾਨੋਂ ਕੋ ਬਨਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਗੱਲੇ ਮੇਂ ਪੜੀ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਰੁਪਯੋਂ ਕੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੋਏ ਫਰਾਰ जालंधर बस स्टैंड चौकी पुलिस व सशस्त्र सीमा बल की ओर से बस स्टैंड पर निकाला गया फ्लैग मार्च आने जाने वाले लोगों की चेकिंग G20 सम्मेलन को मुख्य रखते हुए जंडियाला गुरु में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च आने जाने वाले वाहनों की गहनता से की जांच इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल